Now, what is the meaning of exact differential? As the name suggests, आपका जो इक्वेशन है वो कंप्लीट डिफरेंशियल बन गया है. मीन्स यू हैव सच टाइप ऑफ इक्वेशन. द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. अगर इस टाइप की आपके पास इक्वेशन है देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन. देखो सॉल्यूशन क्या आएगा इस केस में आपके पास. द सॉल्यूशन विल बी यू इंटीग्रेट बोथ साइड यू गेट दिस. ये आएगा आपके पास सॉल्यूशन. यस, अगर आपको इक्वेशन इस टाइप की गिवन हो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. हियर डी डिनोट्स द डेरिवेटिव. द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो. सो द सॉल्यूशन विल बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी. राइट, नाउ जस्ट सी व्हाट विल बी दिस लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या होगी. दिस विल बी बिकॉज यू आर हैविंग टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. तो ये डेरिवेटिव आप क्या लिख सकते हो इसको. यू कैन राइट दिस एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टू डी एक्स. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई इन टू डी वाई. बेसिकली ये आपको जीरो गिवन है. ये जीरो है इट मीन्स दिस इज जीरो. Right, and now you can integrate both sides and you get the solution. So such type of differential equation is said to be exact. मतलब complete differential बन जाए आपका एक side पर. तो आपने integrate किया आपको सीधा direct solution मिल गया. So that is called exact differential equation. Right? The equation is clear to you. You are having a function of two variables. Okay? The general solution is of the form f of xy is equal to c. Equation is said to be exact differential equation if d of f of xy is 0. Means f of xy is equal to c is a solution of such type of differential equation. Means left hand side mein complete derivative ban raha hai aapke paas. Exact differential ban raha hai. Right? So this type ki differential equation ko exact differential equation kehte hain. Okay? अब इस टाइप की इक्वेशन को आपने सॉल्व कैसे करना है और कैसे चेक करोगे. आपको गिवन होगा इक्वेशन इस फॉर्म का. m of x y मतलब m आपका यहाँ पे कोई फंक्शन x y का दे रखा है into dx सम फंक्शन ऑफ x y into dy is equal to zero. ये आपको इक्वेशन गिवन है. फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये. राइट, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो. नाउ दिस इक्वेशन इज सेट टू बी एग्जैक्ट एग्जैक्ट. नाउ व्हाट इज द कंडीशन. इफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज सेम एज दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर ये चीज होल्ड हो गई तो आपकी ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाएगी. जैसे ही ये एग्जैक्ट आ गई सॉल्यूशन क्या होगा इसका. द सॉल्यूशन विल बी, आपने रिमेंबर यही चीज रखनी है. राइट, ये स्टेप आपने रिमेंबर रखना है. यू आर गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म. इस फॉर्म की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. इस इक्वेशन को यू विल से टू बी एग्जैक्ट इफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y integrate. यहाँ पे देखो dx है, हमने दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट लेना है. द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इफ इट इज इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x देन दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड द सॉल्यूशन इज. डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हो आप इस इक्वेशन का. यू इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x बाय ट्रीटिंग y टू बी कांस्टेंट. इसमें जितनी टर्म्स y की आ रही हैं उनको कांस्टेंट ट्रीट करो और इंटीग्रेट कर दो बाकी को विद रिस्पेक्ट टू x. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग दोस टर्म्स विच कंटेन नो x. नो x इज इक्वल टू c. So this will be the solution of exact differential equation.
मेथड क्लियर है बच्चे? यू आर गिवन एनी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो. दिस इक्वेशन इज सेट टू बी एग्जैक्ट इफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज सेम एज दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर ये इक्वल आ जाता है तो सोल्यूशन ये होगा. यू हैव टू इंटीग्रेट एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसमें अगर कोई वाई की टर्म है तो उसे कॉन्स्टेंट ले लो, और एन में से ओनली वो टर्म्स पिक करनी है जिसमें एक्स ना हो. अगर ऐसी कोई टर्म भी नहीं है एन के अंदर तो यू टेक एन टू बी जीरो इज इक्वल टू सी. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. यस, द मेथड इज क्लियर. मेथड क्लियर है बच्चे? नाउ जस्ट सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. और ये कंडीशन कहां से आई है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. सॉरी, सो नाउ जस्ट सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लेट्स सपोज यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन 3x² प्लस 2 इंटू ई टू द पावर वाई dx प्लस 2x e टू द पावर वाई प्लस 3y² dy इज इक्वल टू 0. यू हैव टू सॉल्व दिस. सॉल्व मीन्स वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आप dx को इधर लेके जाओगे तो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म mdx प्लस ndy. अभी तक जितने हमने मेथड किए हैं वो हम अप्लाई नहीं कर सकते. ना तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं इस केस में, ना ही कोई कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, ना ही डिग्री सेम्स है आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की. सो यू कैन नॉट अप्लाई द प्रीवियस मेथड. सो वी विल डू विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज योर एम, दिस इज योर एन. यू हैव टू फर्स्ट चेक वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट. तो यू हैव टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई. What is the partial derivative of this function with respect to y? Kya aayega? What is the derivative of 3x² with respect to y? Kya aayega bachche, bolo? Partial derivative lena hai aapne, to with respect to y iska derivative kya hoga? Zero. Zero. And what is the derivative of 2 into e to the power y? सेम आ जाएगा, 2 into e to the power y, right? What is the partial derivative of n with respect to x? What is the derivative of this with respect to x? जब भी partial derivative लेते हो, जिस भी variable के with respect लेना है, another variables को constant treat करना है आपने, है ना? तो e to the power y आपका constant है, 2 constant है, और x का derivative आया 1. What is the derivative of this with respect to x? 6y. Which is 0. Because another variable ko humne constant treat karna hai. To agar hum with respect to x nikal rahe hain, to derivative kya hoga? 0. Kyunki isme to x ki koi term hi nahi hai, ye constant hai. Right? So you will get the partial derivative of n with respect to x is this. Clear hai ye step? तो यहां से आपके पास देखो ये दोनों सेम आ गए. कर लिया m अपॉन कर ली y इज सेम एज दैट कर लिया n अपॉन कर लिया x. इट मींस योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट. नाउ सिंस इट इज एग्जैक्ट व्हाट विल बी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होगा? यू हैव टू इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x by treating y to be constant. जो भी terms y की आ रही हैं उसको constant ले लो. Integrate n with respect to y, taking those terms which contains no x. Is equal to c. इसी type से आप ये formula लिखोगे, right? Same. आपने ऐसी करनी है questions. देखो क्या आया सॉल्यूशन. फिर
व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका एम है, इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करो, वाई को कॉन्स्टेंट लेना है, तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, x³/3, यस व्हाट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ 2 इनटू e टू द पावर y विद रिस्पेक्ट टू x, आपको इसको क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, y को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, तो ये एज इट इज रहा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ गई x प्लस n की वो टर्म्स पिक करनी है जिसमें x नहीं होगा, पहली टर्म में x है तो ये हम नहीं लेंगे, दूसरी टर्म में x है नहीं है, राइट right? तो आप इसको ले लोगे, मान लो इसमें भी अगर x होता तो आप n को जीरो ले लेते, ओके, सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 3y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, यस it will be 3y³/3 is equal to c, so this is the solution of this differential equation, clear hai sabko, ek problem karoge aap log, solve this, find out the solution of this initial value problem, initially agar ek point pe koi condition given hogi to it means this is initial value problem, right, so solve this initial value problem, you can write this as so this is of the form mdx plus ndy is equal to 0, this is your m, this is n, is it exact, check karo, I'm del m, differentiate m with respect to y and n with respect to y, nikal lo isko aur mujhe batao kya aa raha hai aapka, what will be curly m upon curly y, kya hoga bacche ye, पार्शियल में हम हमेशा दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्या आएगा इसका, e टू द पावर x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos y, माइनस साइन ऑफ, नाउ व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेम आ जाएगा, तो यही आ गया, बाकी तो आपने कांस्टेंट ही लेना है, साइन आप इन्वॉल्व करोगे बिकॉज आपका जनरल फॉर्म mdx प्लस ndy होता है, तो अगर कोई साइन आ रहा है यू हैव टू इन्वॉल्व इन द फंक्शन, ओके, नाउ इज इट एग्जैक्ट, आर दीज टू इक्वल, यस मैम, सो क्या आया आपके पास, इक्वेशन क्या आई, एग्जैक्ट आ गई, so what will be the solution, solution kya hoga, integration of, bolo formula bolo kon bolega, integration of m with respect to x, taking y as constant, by taking y to be constant plus integration of n with respect to y, very good, bolo, by taking those terms which contain no x, taking those terms which contain no x is equal to c, to karo iska nikalo isko integrate karo dekho kya aata hai, so what is your m, e to the power x cos y, isme y ko aapne constant treat karna hai, to integration kiya e to the power x ka as it is aa gaya, right,
एन में कोई ऐसी टर्म है जिसमें एक्स ना हो, कोई टर्म है ऐसी एन में एक ही टर्म है और उसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमने कोई टर्म नहीं लेनी, हम इंटीग्रल एन को इस वाले में एन जीरो लेंगे, तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही आ गया, इज इक्वल टू सी, तो ये सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? यस मैम। नाउ नेक्स्ट, इसमें देखो एक और कंडीशन गिवन है, y एट जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये जो जीरो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y एट गिवन x इज जीरो, x की वैल्यू जीरो है, जैसे आप x को जीरो पुट करोगे y भी क्या आएगा, जीरो, तो देखो c की वैल्यू निकल आएगी, व्हेन यू पुट x टू बी जीरो दिस इंप्लाइज y इज जीरो, और इन दोनों को पुट करने पर इस इक्वेशन में देखो क्या आया, x को जीरो पुट किया दिस इज वन, y को जीरो पुट किया दिस इज वन, सो द वैल्यू ऑफ c इज वन, राइट, एट x जीरो गिवन क्या है आपको, y जीरो, सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x टू बी जीरो एंड y टू बी जीरो यू गेट c इज वन, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c ओवर हियर, यू गेट द सॉल्यूशन व्हिच इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? सो अंडर दिस कंडीशन दिस इज द सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है बिकॉज इसमें वन आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, अगर अंडर दिस कंडीशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं सी की वैल्यू तो वो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, and obtain the general solution, this is a short form, general solution of the exact differential equation. So equation आपको given है y plus x cube time dx plus ax plus by cube dy is equal to zero. पहले तो question समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि a और b की वैल्यू निकालो सो दैट कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो, और जैसे ही एग्जैक्ट आ गई इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। ओके, सो दिस इज योर m, दिस इज योर n, तो बताओ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b दिस गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, क्या आएगा, व्हाट इज करली m अपॉन करली y, व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, यस, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव बच्चे y के विद रिस्पेक्ट, y स्क्वायर बाय 2, बच्चे इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, 1 और कर ली n अपॉन कर ली x, क्या आएगा, what is the derivative of this with respect to x, a, exact के लिए क्या चाहिए आपको, ये दोनों सेम आए है ना, for exactness क्या चाहिए आपको, क्या कंडीशन है, curly m upon curly y it should be equal to curly n upon curly x, तब हम equation को कहते हैं exact है, तो यहां से कंडीशन क्या आ गई, a should be 1, a को 1 ही होना चाहिए तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ a और b पे कोई कंडीशन नहीं आई, तो इसका मतलब b कुछ भी हो सकता है, b मे बी एनी रियल नंबर, तो
पहला क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. ओके, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, विद रिस्पेक्ट एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1, पर बी पे कोई कंडीशन नहीं आ रहा, इट मीन्स बी मे बी एनी रियल नंबर. राइट, सो फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी योर दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट. नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए ओवर हेयर, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया. अब इसका सोल्यूशन बताओ क्या आएगा. डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास ये, और ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन? अभी हमने किया है, क्या होगा सॉल्यूशन? इफ योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स. Y को कांस्टेंट लो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग दोस टर्म्स व्हिच कंटेन्स नो x इज इक्वल टू c. राइट, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. क्या आया? इंटीग्रेशन किया हमने m का विद रिस्पेक्ट टू x, कितना क्या आएगा इंटीग्रेशन m का विद रिस्पेक्ट टू x? yx, y को कांस्टेंट लेना है, प्लस x 4 बाय 4. राइट, इसमें हमने वो टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, तो ये टर्म छोड़ देंगे, ये बची, इसकी इंटीग्रेशन करो. b एज इट इज, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू c, सो दिस इज द सॉल्यूशन. क्लियर है सबको? यस यस मैम. सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? योर इक्वेशन शुड बी ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो. हेयर एम एंड एन दे आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई. वी विल फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. चेक करेंगे ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं. जैसे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे आपका इक्वेशन बन जाएगा एग्जैक्ट एंड द सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एन विद रिस्पेक्ट टू वाई. इसमें y को कांस्टेंट लेना है, बट इसमें सिर्फ वो टर्म्स पिक करनी है, दोस टर्म्स विच कंटेन्स नो x इज इक्वल टू c. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन.